मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे घर में पेट पसंद नहीं है। समझ में नहीं आता कि आखिर वो गई कहाँ। अब क्या करें डोरेमोन? मुझे भी नहीं पता, हमें इसे किसी चीज के अंदर रखना ही होगा। समझ गया, मेरे पास कुछ है, फ्री साइज डॉल कैमरा। इससे हम एक डॉल बनाकर इसे उसके अंदर डाल देंगे, बस किसी चीज की तस्वीर लेनी होगी। मुझे सोचने दो। ये कैसा रहेगा? अच्छा है ना? मुझे ये कार्टून बहुत पसंद है। ये ठीक है नोबिता, मैं इसकी तस्वीर ले लेता हूँ और अब डॉल बन जाएगी। बन गई। चलो अब तुम जल्दी से इसके अंदर जाओ। जाओ जाओ, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे ये तो उल्टी हो गई। फूको, तुम्हें ये कैसा लगा? अरे ये कितनी खुश लग रही है। अब तो मॉम को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा तो क्या मैं इसे शिज़ुका को दिखा सकता हूँ? अगर मैं मना करूँगा फिर भी तुम लेकर ही जाओगे, लेकिन पहले हमें यहाँ की सफाई करनी चाहिए ना। मैं थक गया हूँ। तुम करोगी सच में? अरे वाह फूको, पर क्या ये कर पाएगी? तुमने तो कमाल कर दिया। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब शिज़ुका के पास चलते हैं। ये लो बैम्बू कॉप्टर ले लो। फूको हमारे पीछे आना। फूको ये बैम्बू कॉप्टर है, ये 22nd सेंचुरी का है। अरे मुझे मुश्किल बातें नहीं करनी चाहिए, शायद तुम्हें समझ ना आए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ओहा फूको, शिज़ुका के घर पर बिल्कुल भी शरारत मत करना, वहाँ पर शांत रहना। समझ गई ना मैंने क्या कहा? तुम्हें ये सब याद रहेगा ना? पक्का याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया, तो ठीक है चलो। तो पिता इसे छोटी बहन की तरह समझा रहा था। इसका नाम फूको है। हाँ, क्योंकि ये तूफान की बेटी है। क्या तूफान की बेटी है? मैंने इसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर साइंस में इसके बारे में कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे एक बात बताऊं शिज़ुका, ये बहुत तेज भी है। क्या ये बात है? अरे हाँ, वैसे तुम मेरे क्वाला के साथ भी दोस्ती कर सकती हो। हाँ बिल्कुल, क्यों है ना फूको।